फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मिलेट के फाइन पाउडर कैसे बनाते हैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी बेबी फूड या तो ब्यूटी रेमेडी के लिए मिलेट के पाउडर यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मिलेट के पाउडर के साथ आपको ऐड करना है राइस का पाउडर, बट हम इसे डायरेक्टली पाउडर नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून राइस और 2 टेबलस्पून मिलेट लिया है। सफिशिएंट पानी में 6 आवर्स के लिए भिगो के रख दिया है। 6 आवर्स भिगोना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमें इस पानी को छान के लेना है। हम दोबारा पानी ऐड करके ब्लेंड करके लेंगे, बट एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हमें ब्लेंड करके लेना है, जब तक ना इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और जो ब्लेंड हो जाएगा ऊपर से, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मिनिमम 2 आवर्स टू 4 आवर्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये पानी का लेवल और नीचे का जो रागी और राइस का मिक्सचर का लेवल दोनों सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हो पानी का लेवल ऊपर आ गया है। अब हमें इस पानी को फेंक देना है और सिर्फ हमें नीचे का जो थिक मिक्सचर है राइस और रागी का, इसे कलेक्ट करना है। तो एक छन्नी के ऊपर कॉटन के कपड़े रख के आप इसे छान लीजिए, क्योंकि हमें फाइन पाउडर चाहिए। तो छानने के बाद ऐसे हम प्रेस करेंगे और इसका जो वाटर कंटेंट है उसे हम निकाल देंगे, ऐसे दबा दबा के, जैसे हम छेना को ड्राई करते हैं। ऐसे हम इसे ड्राई करके धूप में सुखाएंगे, 2 से 3 दिन सुखाएंगे। ये जो गुठली है इसे हम तोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये इतना फाइन पाउडर बनता है जैसे कि टेलकम पाउडर जैसा होता है, इसे भी फाइन पाउडर इसका बनता है। आप यकीन नहीं कर सकते, बस आपको 2 से 3 दिन कड़ी धूप में सुखाना है। जब ये ड्राई हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, तब आप उसको ग्राइंड करना है, ड्राई ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर जार में ऐड करके फ्रेंड्स आप इसका बेबी फूड भी बना सकते हो, या तो कोई भी ब्यूटी रेमेडी जैसे कि फेस क्रीम, फेस पैक बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना फाइन पाउडर बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।